एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, क्योंकि बरवाला रोड के ऊपर एक फौजी ढाबा नाम से एक ढाबा है और ढाबे के अंदर काम करने वाले युवक को बड़े बुरे तरीके से पीटा जाता है। होता ये है कि वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि हमें यहाँ पर बैठ करके शराब पीनी है। जब वहाँ पर काम करने वाला आदमी उन्हें रोकता है कि यहाँ पर एक फैमिली बैठी है, आप लोग यहाँ पर इस तरीके से नशा नहीं कर सकते, तो आने के बाद वो अचानक से उसे मारना शुरू कर देता है। क्या हुआ था आपके साथ, मुझे ये बताइए। वो शराब पीने बोला, मेज बदर का पीऊंगा, मैं मना कर गया, मैं या फैमिली सिस्टम हो रहा था, दूर ना पियो आप, मान ले। तो क्या आपके ढाबे के अंदर शराब बिकती है या फिर वो खुद घर से लेकर के आए थे? लेकर आए थे दारू, आपकी खुद की बोतल पे। तो क्या वो आपको जानते हैं? जाने वो उठल रखे, मान ले वो अमरुवाड़े मान ले, ये चक्कर। तो क्या पहले भी उन्होंने आपके ढाबे के अंदर आकर के कभी शराब पी है? पहले कौन भी, पहले एक बार पी थी, काफी दिन 15-20 दिन। ढाबे के मालिक हमारे साथ है, आपके ढाबे का नाम क्या है? मेरे ढाबे का नाम है फौजी ढाबा, थर्मल गेट के पास एचपी पंप के सामने। हुआ क्या था? हुआ क्या था, मैं बैठा हुआ था, वो फैमिली बैठी हुई थी, वो दारू पीने के लिए आए, इसको ऑर्डर किया, इसने मना कर दिया। वो बोले हम तो ऐसे कर देंगे, और वो मतलब बदमाश टाइप के 9-10 बंदे थे, दो गाड़ी थी उनके पास, इसको इतनी बुरी तरीके से मारा, हम तो भाग के, सामने पंप था, पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी कैमरे आप चेक कर सकते हो, मैं भाग के वहाँ जान बचाई है। तो वहाँ पे 112 की गाड़ी आई है, दो पुलिस वाले थे, उनसे वो नहीं रुके, फिर SHO साहब की गाड़ी आई है, मैंने फ़ोन किया 112 पे भी, बरवाला थाना में भी, जब आके उनको बीच बचाव किया है, बरवाला थाना ने मतलब अब तक कोई इसे ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे हम संतुष्ट हो। तो क्या जब इसे मार रहे थे तो आप लोग वहाँ से भाग गए या फिर आप लोगों ने इसे बचाने की, छुड़वाने की कोशिश नहीं की? हमने छुड़वाने की कोशिश की, मेरे भी देखो ये चोट लगी है, इधर लगी है, ये देखो इधर लगी है, ये दांत में भी लगी है। तो हाँ, तो मतलब वो 10-12 जने थे, 10-12 बंदों के आगे तीन बंदे क्या कर सकते हैं? कौन सी गाड़ी के अंदर आए थे? वो एक थी थार गाड़ी और एक ये जो होंडा की नई है, होंडा वो आ रही है जो मतलब नया मॉडल आ रही है। तो क्या पहले से भी वो नशा करके आए थे या फिर वहीं पर बैठ करके नशा करने की फिराक में थे? नहीं, वो फुल नशे में थे और एक बोतल लिए हुए थे। हाँ, तो क्या कोई सूखा नशा किया हुआ था या फिर शराब भी पी हुई थी? नहीं, उन्होंने शराब पी हुई थी, इसके साथ फुल मारपीट की है। इस पे पूछ लो कितने पैसे थे तेरी जेब में? 4600 रुपए थे, 4600 रुपए, एक फोन तोड़ दिया उन्होंने मेरा। तो 4600 रुपए क्या आपकी जेब से वो ले गए अपने साथ? मान ले। क्या खाली आपके साथ मारपीट की गई या फिर आपके दुकान ढाबे के ऊपर कोई और भी काम करता है? 5-7 जने, कोई बैट मारा, कोई कुर्सी मारा, कोई घेरा छाती में कट मारा, इसके टांके आ रहे, सर में टांके आए हुए हैं, ये देखो सारी कट सूज रही है, मतलब इसके नुक नहीं, चोट नहीं लगी, ये देखो बैट के साथ जो बैट बॉल वाला बैट होता नहीं उसके साथ पिटाई की, ये देखो सोई आई हुई है, इसमें शर्मा टांग के आ रहे हैं, शर्मा बहुत ज्यादा वो करिया इसने, दिखाइए सर में क्या मारा है, सर में बैट मारा है, बैट मारा। तो क्या पहले आप लोगों की कोई रंजिश चल रही थी? हमारी कोई रंजिश नहीं थी। क्या आप उन्हें जानते थे? हमारी कोई जान पहचान नहीं है, बस दारू मना करने के बाद हमारी पिटाई करी। तो क्या जिस ढाबे के ऊपर ये काम करा है वो ढाबा इसी का है आप दोनों का है? नहीं, वो ढाबा मेरा है, मेरी घर की जमीन है, मेरे मतलब पास ये काम करता है, बहुत दिनों से काम करता है। लगभग कितने सालों से काम कर रहा है? लगभग 1.5 साल से मेरे पास काम कर रहा है। तो क्या आपकी उनके साथ कोई दुश्मनी थी पहले से? बात है, कोई दुश्मनी कोई नहीं, कुछ भी। क्या पुलिस को आप लोगों ने खबर नहीं दी? पुलिस को उसी टाइम खबर दी थी, 112 को कम से कम 10 फोन किए हैं, 112 की गाड़ी आई है, वो उन पर नहीं रुके, दोबारा SHO साहब की गाड़ी आई है, जब वो मतलब फिर भी वो भागे नहीं, आराम से गए हैं, बोले हम देख लेंगे, हम SHO को तो मतलब मंथली देते हैं, हमारा होटल चलाते हैं, वहाँ पे थाना हमारा क्या कर लेगा, बरवाड़ा थाना में मंथली जाती है हमारी मोटी। जो लोग आए थे उनकी उम्र कितनी थी लगभग? उनकी लगभग उम्र मतलब 18 से 25 के बीच में थी, एक तो कल ही जेल से छूट के आया था, कल उसकी जमानत हुई थी, सरदा नाम है रजली गांव का, मतलब वो कल ही जेल से छूट के आया था, नुबिला दोबारा फिर काटाऊंगा मैं, मन क्या कर। आप कह रहे थे आप उन्हें जानते नहीं हैं, बाय नेम भी आप उन्हें जान रहे हैं? नहीं, वैसे तो मतलब बरवाड़ा शहर के हो, बरवाड़ा शहर में मैं रहता हूँ, उनका होटल है, तो मतलब बाय नेम तो मतलब जान पहचान हो ही जाती है, रजली गांव का दो बंदे को जानता हूँ मैं, तीन क्या क्या नाम है, एक तो प्रगट है, एक सौरभ है, एक वो क्या नाम था श्रद्धा, एक तीन का नाम भी रहा मैंने इनका, सुमित है, सौरभ सुमित श्रद्धा प्रकट, ये इन चारों को गांव के ही रहने वाले हैं। नहीं, ये कुछ मतलब असनगढ़ के हैं, एक बंदा रायजली का है, बाकी अन्य थे जी 9-10 जने थे वो, बाकी को मैं जानता नहीं हूँ। हाँ, तो अभी चोटे का लगी और कितनी लगी है? चोटे इसके सर में टांके आए हुए हैं 6-7, अच्छा इस पर पीठ पर लगी है, मेरे इधर लगी है, एक मेरा साला था उसके मतलब अड़की फुड़की चोट। लेकिन आप तो पेट्रोल पंप के अंदर भाग गए थे, वहाँ जाकर के अपनी जान बचाई, तो आपके चोट कैसे लगी? चोट मैं इसको बचाने लग गया ना, जब लगी मेरा मैं भाग गया, तो इसलिए हूँ क्यों नहीं, मेरे को भी मारते वो जी, भाग गया मेरी जान बचाने के लिए।
लिए, उन्होंने जान से मारने की कोशिश की उन्होंने। क्या आपके होटल के अंदर गुल्लक के, जो आपका होटल है गल्ले के अंदर, वहाँ पर पैसे भी पड़े होंगे, क्या वो पैसे भी ले गए? गल्ले के अंदर तो मतलब हमने चेक नहीं किया, इसकी जेब में थे 4600 रुपए, वो हमें नहीं मिले, वो निकाल के ले गए अपने गल्ले वाले पैसे। 12 बजे मैं जेब में घाल लूँ मैं। और ये बात कितने बजे की है लगभग? ये लगभग मतलब मैं टाइम देख के लगभग 1:30-2 बजे, हाँ 1:30 बजे की बात है, 1:30 बजे की। लेकिन कल रात की ये बात बता रहे हैं आप? कल रात की बात है, उसी टाइम PCR आ गई थी रात को ही, अंबरवाला अस्पताल में चले गए थे, सुबह हमारे MLR कट के यहाँ रेफर कर दिया था। अब इसके सिर में चोट है, पता नहीं यहाँ रखेंगे या मतलब रेफर करेंगे अग्रोवा या PGI रोहतक। तो आपको किसके ऊपर शक लग रहा है, किस वजह से उन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया? दारू पीने से मना कर दिया इसलिए उन्होंने। सिर्फ दारू पीने से मना किया इसलिए, या फिर कोई चोरी भी करने आए थे वो लोग? नहीं मतलब ऐसी तो मतलब वैसे तो क्या पता, जब पैसे ले गए तो करने भी आए होंगे, फिर बाकी उनके दारू पीने के मना के करने के बाद इसके लठ मारे हैं, बहुत ज्यादा लठ मारे। बातचीत क्या हुई थी आपकी उनके साथ? उन्होंने आपको कहा कि यहाँ पर बैठ करके शराब पीनी है? आप बाहर टेबल के ऊपर दारू बोतल दर दी, भाई दारू दूर ना पियो, तो हम वैसे यह बात थी मना कर दिया था, दारू के ऊपर रोड़ा है वैसे। नाम क्या आपका? मेरा नाम विक्रम है, सनो वजीर सिंह फौजी, इसका नाम देशराज है। तो आपको बता देते हैं बरवाला रोड का ये मामला है, जहाँ पर फौजी ढाबा नाम से एक ढाबा है, वहाँ पर कल रात को कुछ युवक आते हैं और धक्का मुक्की करने लगते हैं कि हमें तो यहीं पर बैठ करके नशा करना है, शराब पीनी है। लेकिन जब यहाँ पर काम करने वाला ये लड़का उसे रोकता है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तो इसको बुरे तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं। किससे पीटा गया आपको? बैठता उनके हाथ में एक डंडा था, कुर्सी भी मारी, उठा उन्होंने मेरा लात भी मारे उससे, कई जने थे। तो लगभग 8 से 9 जनों के ऊपर ये बता रहे हैं कि 8 से 9 जने अपनी थार गाड़ी के अंदर से, एक और गाड़ी थी, उन दोनों के अंदर से उतरे थे और उसके बाद जो है इसको बुरे तरीके से मारना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय वहां ढाबे के मालिक पहुंचते हैं और मालिक जब इसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो मालिक को भी बुरे तरीके से पीटा जाता है, लेकिन मालिक जो है सामने पेट्रोल पंप के ऊपर जा करके छिप करके अपनी जान बचाते हैं। उसके बाद डायल 112 को वहां पर बुलाया जाता है और उसके बाद जो है अब तक इनका ये कहना है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या बयान दर्ज हो चुके आपके? अब तक बयान नहीं दर्ज हुए हैं, मतलब मेडिकल हो चुका है, MLR हो गई है, MLR हो गई है, मेडिकल हो चुका है, बयान लेने के लिए कोई नहीं है हमारे पास। हाँ तो आपको बता देते हैं कि बयान की बात है, ये कह रहे हैं कि बयान जो अभी तक नहीं हुआ। खैर इस पूरे मामले के अंदर अगर दूसरा पक्ष अपनी राय रखना चाहता है तो हमारे चैनल पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। और पुलिस प्रशासन से भी अपील है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले के अंदर कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो एक फैमिली ढाबा है, अगर आज उसके अंदर ऐसी करतूत हो जाती है, ऐसा मामला हो गया, तो कल वहाँ पर कोई भी फैमिली जो है खाने पीने से जो है नकारने लगेगी। वहाँ पर अगर कोई खाने पीने के लिए आता तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। बिल्कुल जी नहीं करेगा। और आप भी हमें जान का खतरा है, यहाँ भी आ सकते हैं, वो अपराधी रिकॉर्ड है उनका, पहले भी उन्होंने ये जो मतलब जिंदल हॉस्पिटल के सामने उन्हें गोली वगैरह चलाई है, अखबार में आया था, वो सबने पता है, प्रशासन को सभी बातों के मतलब जानकारी है। तो क्या कल रात को भी उन्होंने अपने हाथ के अंदर कोई पिस्तौल ली हुई थी? वो हमने देखा नहीं मैम, डंडे बिंडे राड जरूर थी, बैट से इसके काफी मारा है। खैर इन आरोपों की हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं और अगर पुलिस प्रशासन जो है इस मामले के अंदर जांच करके कार्रवाई करती है, कौन दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील हम लोग कर सकते हैं। खैर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। खुद में लग रहे हैं किसी 5 किसी 3 किसी 4 के साथ में एक आधा और लग जाए, फर्क पड़ेगा, यह बात बोली थी उन्होंने। खैर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि इन्हें न्याय मिल सके। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।